ये है वो सारा सेटअप, एक GoPro Hero 10। मैं कैमरा घुमा रहा हूँ लेकिन फिर भी वीडियो घूम नहीं रही है। और एडाप्टर को इस तरीके से माइक हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, देख सकते हैं एकदम घट पत्थर बैठ गया है। टन टन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अब तक का सबसे बेस्ट मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनवाने वाले हैं, जिसके लिए मार्केट में अवेलेबल बेस्ट एक्सेसरीज हमने मंगवा लिए हैं। तो मैं हूं आपका अपना अकेडी हॉट पिस्टन्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है वो सारा सेटअप जो हमने स्पेशली मोटो व्लॉगिंग के लिए मंगवाया है। अब एक एक की अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे पहला और बहुत जरूरी चीज है एक बेहतरीन एक्शन कैमरा। तो यहाँ पे है GoPro Hero 10 जो कि मार्केट में अब तक का सबसे बेस्ट एक्शन कैमरा है। इसके कई सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा या फिर किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो इसकी हमने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर दी थी ये जब हमारे घर पे आके पहुंचा था। तो अगेन मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा देना चाहता हूँ। ये कुछ इस तरीके से आता है इस केस के अंदर। तो इस केस में है GoPro Hero 10 जो कि आप देख सकते हैं, मैं इसकी सील को तोड़ दिया हूँ। ये भी हम निकाल रहे हैं, ये भी हम निकाल रहे हैं। तो ये जो है डबल स्क्रीन आती है इसमें, पीछे भी स्क्रीन है और सामने की तरफ भी स्क्रीन है। बैटरी है, बैटरी के बिना कैमरा ऑन नहीं होगा। कुछ यहाँ पे माउंट्स भी हैं, एक यहाँ पे केबल भी आती है और यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल भी आता है। ये हो गया सिंपल GoPro Hero 10 का बेसिक वाला बॉक्स। मोटो व्लॉगिंग के लिए एडाप्टर बहुत ज़रूरी होता है जिसके ऊपर माइक कनेक्ट किया जाता है। बिना इसके मोटो व्लॉगिंग इस कैमरे के साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। और यहाँ पे है 64GB का हाई क्वालिटी SD कार्ड, क्योंकि GoPro में हाई फ्रेम रेट्स पे रिकॉर्ड होता है तो बेहतरीन कार्ड यहाँ पे हमें जरूरत थी। दोस्तों ये GoPro Hero 10 और ये माइक एडाप्टर और ये SD कार्ड, ये तीनों चीज़ें हमने Xboom से मंगवाई हैं। अब यहाँ पे Xboom से हमने क्यों मंगवाई हैं बोलेंगे तो सिर्फ जो है GoPro Hero 10 का प्राइस Flipkart और Amazon पर 52,000 रुपीस है गाइज। और यहाँ पे Xboom वाले 52,000 रुपीस में GoPro Hero 10 प्लस यहाँ पे माइक एडाप्टर प्लस यहाँ पे 64GB का कार्ड दे रहे हैं। सो मुझे बहुत बढ़िया लगा डील इनकी, तो मैं सीधे उनसे मंगवा लिया यहाँ पे। बाकी यहाँ पे इसकी वारंटी वगैरह GoPro जो वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड करते हैं वही होगी इनके साथ भी। Xboom.in पर एक्शन कैमरास, ड्रोन्स Flipkart और Amazon के मुकाबले में कम दाम पे मिलते हैं। सो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों और एक चीज एक्स्ट्रा जो हमने Xboom से मंगवाई है, GoPro की ओरिजिनल एक्स्ट्रा बैटरी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं एकदम जंगल में बैठा हुआ क्योंकि मैं नेचर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो जंगल के बीच में हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये जो थी चीजें ये हमने Xboom.in से मंगवाई है। अब यहाँ पे ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये हमने अलग से Flipkart से मंगवाए हैं। सो ये है उलानजी का GoPro केस जो कि मोटो व्लॉगिंग के लिए काफी बढ़िया है। Hero 9 और Hero 10 के लिए ये होता है। अब यहाँ पे ये हमने माइक मंगवाया है माउनो का, जो कि लगभग 410 रुपये में हमें पड़ा था। काफ़ी तगड़ा माइक है मोटो व्लॉगिंग के लिए। अब यहाँ पे GoPro की बैटरीज को चार्ज करने के लिए हमने अलग से एक चार्जर मंगवाया है, जिसमें दो या फिर तीन बैटरीज को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है गाइस। दोस्तों ये हमने पहले मोटो व्लॉगिंग का सेटअप लगवाया था कुछ जुगाड़ करके, MCL वगैरह लगा करके। ये काफ़ी अच्छा चीज है, सस्ते में काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि एक बार MCL हेलमेट को लगाने के बाद हेलमेट तो जाएगा, यहाँ की पेंट या फिर प्लास्टिक भी उखड़ सकता है जब भी इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो। सो इससे जो है हेलमेट पे मार पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नया हेलमेट है इसके ऊपर हम MCL का जुगाड़ नहीं करने वाले हैं। मार्केट में ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट आ गया है जो कि आसानी से हेलमेट के सामने की तरफ फिक्स हो जाता है स्ट्रैप की मदद से। सो गाइस मोटो व्लॉग सेटअप बनाने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर बैटरी और SD कार्ड को डालते हैं। तो ये निकल गया हमारा कार्ड। यहाँ पे साइड में छोटा सा स्लॉट है जहाँ पे कार्ड ये बैठता है कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं आप, ये कार्ड पूरा अंदर चले गया है। अब यहाँ पे इसकी बैटरी को डालते हैं। ये देखो गाइज, ये है GoPro Hero 10 की बैटरी, काफ़ी छोटी है और सीधे ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर चले जाती है। और यहाँ पे इसके केस को इस तरीके से, ये जो दिख रहा है इसको ऊपर खींच के इसको इस तरीके से पैक करते हैं। और ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ कैमरा है। सो गाइज GoPro Hero 10 को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, साइड में बटन दे रखा है। सो क्या बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है GoPro Hero 10 और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने भी
इसकी एक छोटी सी स्क्रीन है, सो इससे जो है डेली लाइफ में व्लॉगिंग भी काफ़ी इजी है। गाइस GoPro Hero 10 की ख़ास बात यह है कि ये देखो मैं कैमरा घुमा रहा हूँ लेकिन फिर भी वीडियो घूम नहीं रही है, एकदम स्टेबल वीडियो है। ये अब तक का बेस्ट फीचर है जो GoPro एक्शन कैमरा में इन्होंने दिया है। यह है उलान जी का केस जिसके अंदर GoPro Hero 10 एक्शन कैमरा बैठता है, और ये जो है डेली लाइफस्टाइल व्लॉगिंग के लिए भी सही है, लेकिन हम इसको मोटो व्लॉग के लिए यूज़ करने वाले हैं और बहुत सारे लोग मोटो व्लॉग के लिए ही यूज़ करते हैं, और ये सब रिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम ये सब एक्सेसरीज निकाल रहे हैं और यहाँ पे इसके अंदर हम कैमरा डालेंगे, जिसके लिए कैमरे का ये जो वाला ढक्कन है ना इसको हमें निकालना होगा इस तरीके से। ये पहले हमें इसको खोलना है, इसको ऊपर, ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि ये वाटरप्रूफ सील प्रोवाइड करता है कैमरे के लिए, तो इसको हम यहाँ पे निकालने के बाद इसको यहाँ पे जो कैमरे का जो इस उलानजी केस का यहाँ पे साइड वाला ढक्कन है इसको भी खोलना है और कैमरे को यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंदर डालना है। तो देख सकते हैं आप कैमरा अंदर चले गया है, अब इसको इस तरीके से बंद करते हैं, इसको भी इस तरीके से बंद करते हैं, तो ये हमारा उलान जी के साथ GoPro रेडी हो चुका है। सो गाइज ये GoPro का ओरिजिनल माइक अडाप्टर है जो हम इस उलान जी सेटअप के साथ लगवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस माइक अडाप्टर को आराम से बैठने के लिए एक सेक्शन है जो कि व्लॉगिंग के समय बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये है वो माइक अडाप्टर, क्या बात है, इतना सा माइक अडाप्टर है, इसको ख़रीदने जाएंगे तो लगभग 4-5 हज़ार रुपये का ये माइक अडाप्टर पड़ता है। ये देखो गाइज यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हैं, 4,500 का ये माइक अडाप्टर है, बहुत महंगी चीज़ है गाइज, संभाल के इसको यूज़ करने की ज़रूरत है। सो अडाप्टर को फिक्स करने के लिए इस तरीके से नीचे से पास करना है और अडाप्टर को इस तरीके से अंदर घुसेड़ देना है, तो यहाँ पर ये अडाप्टर बैठ जाता है परमानेंटली। अब इसको यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर लगवा देते हैं, तो ये इस तरीके से बन गया है, परफेक्ट। सो गाइज ये माउनो के माइक को हम हेलमेट के अंदर लगा रहे हैं और इसको छुपा के रखने वाले हैं, मतलब ये हमें किसी तरीके का डिस्टर्ब नहीं देगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये हेलमेट जो है इसका कुशन निकलता है इसको हम निकालेंगे और इसके भीतर से इसको छुपा देंगे। तो देख सकते हैं आप कुशन पूरा बाहर आ गया है। मार्केट में बहुत महंगे महंगे भी माइक मिलते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक रिसर्च करी ये जो 400 रुपये में माउनो का जो माइक है इसमें जो है ना नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी बढ़िया होती है, इसी कारण हमने ये माइक मंगवाया है। और यहाँ पे इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पिन भी आती है, ये बहुत काम की है, बिना इसके आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, यहाँ पे नहीं किया है, वो इसलिए क्योंकि जब हम सांस वगैरह लेते हैं तो बहुत नॉइस क्रिएट होता है, इस कारण माइक को हमने साइड में प्लेस कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 mm जैक भी बाहर लटक के आ रहा है जो कि ईजिली सामने की तरफ बैठ जाएगा मोटो व्लॉगिंग के टाइम पर। दोस्तों ये जो है माउंट हम लगवाने वाले हैं, इससे हेलमेट को किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। अब इसमें थोड़े से सस्ते वाले भी हैं, ये थोड़ा सा महंगा वाला है जो हमने अमेज़ॉन से मंगवाया था, मैं दोनों के लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा जो सस्ता वाला है उसका भी और इसका भी, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं। देख सकते हैं ये किस तरीके का है, पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट रबर की पैडिंग है। गाइज इसकी ख़ास बात ये है कि चाहे मोटोक्रॉस हेलमेट हो या फिर फुल फेस हेलमेट हो, ये माउंट दोनों ही हेलमेट पर आसानी से बढ़िया तरीके से बैठता है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से बेंड होता है, सीधा होता है, बेंड भी कर सकते हैं और आप अपना मनचाहा व्यू GoPro लगा के इस पर ले सकते हैं। एक बार हेलमेट पर बैठने पर इसका निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गाइज यहाँ पे देखो ये माउंट किस तरीके से बैठा है, ज़बरदस्त लग रहा है और किसी तरीके का हेलमेट की खूबसूरती में ये रुकावट नहीं डाल रहा है, और हेलमेट जो है ना अभी पहले से ज़्यादा थोड़ा सुंदर हो गया है, और देख सकते हैं एकदम घट पत्थर बैठ गया है ये हेलमेट पे। सो गाइज फाइनल चीज़ यहाँ पे ये कैमरे को हेलमेट के ऊपर इस तरीके से लगाना है और इस स्क्रू को इस तरीके से घुमाना है और हमारा यहाँ पे मोटो व्लॉगिंग सेटअप इस 3.5 mm जैक को यहाँ पर घुसाने के बाद कंप्लीट होता है। टन टन।
सो गाइस परफेक्ट मोटो व्लॉगिंग सेटअप रेडी हो चुका है, जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। गाइस आप जो नजारा आप देख रहे हैं ये GoPro Hero 10 मोटो व्लॉगिंग सेटअप से मैं ले रहा हूं, और क्लैरिटी देखो गाइस एक नंबर की क्लैरिटी है। देख सकते हैं आप नॉर्मल किस तरीके की रोड पे ट्रैफिक होती है, गाड़ियां चल रहे हैं, हॉर्न बज रहा है, ट्रक जा रही है, नॉइस हो रहा है, उसके साथ साथ मैं ओपन वाइजर के साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप सबके साथ। तो गाइस अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हमने GoPro के माइक के ऊपर एक डेड कैट को लपेटा है। हमारे पास एक्स्ट्रा डेड कैट का पीस पड़ा हुआ था तो उसको हमने माइक के ऊपर लपेट दिया है ताकि विंड ब्लास्ट जो भी हो और उसकी वजह से हमारी आवाज़ ख़राब ना हो। और देखते देखते हम यहाँ पे समुंदर के पास आ के पहुँचे हैं जो कि हमारे घर के पीछे ही आता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे खूबसूरत समुंदर है, और अभी यहाँ पे जो है रोड थोड़ा सा खाली है, और हम थोड़ा सा अभी इसको स्पीड में चला के मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है हमारी। लगभग अब 60 की स्पीड में हमारी बाइक चल रही है, हम लगभग 80 के स्पीड में चल रहे हैं, और 80 की स्पीड जो है वो एकदम सेफर स्पीड मानी जाती है मोटो व्लॉग के लिए और हाईवे पे राइड करने के लिए। तो यहाँ पे 80 के स्पीड में हम चल रहे हैं, सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं और वॉइस क्वालिटी आप देख सकते हैं हमारी किस तरीके से आ रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा करके 100 की स्पीड पे पहुँच के मोटो व्लॉग कर देता हूँ। तो देख सकते हैं हम लगभग 90 के स्पीड हम पहुंच गए हैं और ये 100 की स्पीड में हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे शायद हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ ख़राब आए। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके बता दो। अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल या सुझाव है इस मोटो व्लॉगिंग सेटअप के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और एक से बढ़कर एक इसी तरीके के वीडियोस, स्टंट वीडियोस, बाइक के रिव्यू वीडियोस, ये सब देखने के लिए आपके भाई का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो लोग मोटो व्लॉगिंग सेटअप बनवा रहे हैं तो उन लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, काफ़ी उनकी हेल्प हो जाएगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना, जय हिंद।